At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। सीतापुर लोकसभा सीट पर अब सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। भाजपा ने जहां अपने दो बार से सांसद राजेश वर्मा पर भरोसा कायम रखते हुए तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है, वहीं सपा और कांग्रेस गठबंधन ने सदर सीट के पूर्व विधायक राकेश राठौर को मैदान में उतारा है। इस सियासी अखाड़े में बसपा ने बिसवा से पूर्व भाजपा विधायक महेंद्र सिंह यादव को उतार कर सबको चौंका दिया है। महेंद्र सिंह यादव के प्रत्याशी बनने से भाजपा और सपा दोनों का गणित गड़बड़ाने का दावा किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महेंद्र सिंह यादव पर क्यों भरोसा किया या इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आइए आपको सीतापुर लोकसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। दलित वोट बैंक के सहारे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने वाली बसपा ने इस सीट पर कभी भी किसी दलित को अपना हाथी का महावत नहीं बनाया। बसपा ने यहाँ हमेशा सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर ही काम किया। बसपा ने 1989 में यहां से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय सैयद नासिर को प्रत्याशी बनाया गया था। पहले ही चुनाव में हाथी ने दम दिखाते हुए करीब 25 लाख मतों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया था। 1991 में बसपा के अजीज खां 5वें नंबर पर रहे थे। 1996 में बसपा ने प्रेमनाथ वर्मा पर दांव खेला था। इस बार वह भी करीब 25 लाख वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 1998 में बसपा ने फिर प्रेमनाथ वर्मा को उतारा था, तब वह रनर रहे थे। इस चुनाव में भाजपा के जनार्दन मिश्रा ने 27,920 मतों से मामूली अंतर से प्रेमनाथ वर्मा को पराजित किया था। 1999 में बसपा ने इस सीट पर पहली बार जीत का स्वाद चखा था। तब इसके महावत राजेश वर्मा ने दलित और ओबीसी मतों का ध्रुवीकरण करके हाथी को दिल्ली पहुंचाया था। 2004 में भी राजेश वर्मा हाथी पर सवार होकर उतरे और जीत का सेहरा पहनकर सांसद बन गए। 2009 में बसपा ने अपना महावत बदला, लेकिन पुराना इतिहास कायम रखते हुए मुस्लिम प्रत्याशी पर भरोसा किया। तब बसपा से उतरी कैसर जहां ने मुस्लिम दलित गठजोड़ के सहारे सांसद चुनी गई थी। 2014 में बसपा ने फिर कैसर जहां पर भरोसा किया। तब तक हाथी के पुराने महावर राजेश वर्मा हाथी से उतर कर कमल का फूल थाम चुके थे। इस चुनाव में 3,66,000 से अधिक मत पाने के बाद भी कैसर जहां रनर अप ही रही थी और राजेश वर्मा ने भगवा फहराया था। 2019 में बसपा सपा गठबंधन था, तब बसपा ने यहां ब्राह्मण कार्ड खेला था। चुनावी समर में उतरे नकुल दुबे 4,13,000 से अधिक मत पाने के बाद भी राजेश वर्मा के विजय रथ को दिल्ली जाने से रोक नहीं सके थे। दावा किया जा रहा है कि इस बार बसपा ने भाजपा के मोहरे को ही प्रत्याशी बनाकर मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की राह पर मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। चर्चा है कि इसके पीछे की मंशा सेंधमारी के जरिए अपनी खोई सीट वापस पाने की है। जानकारों के मुताबिक महेंद्र सिंह यादव पुराने भाजपाई हैं, पार्टी में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं, लिहाजा वह मौजूदा सांसद से नाराज भाजपाइयों को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। इससे पहले भाजपा में सेंधमारी का रास्ता खुल सकता है। दूसरी बात, उनका यादव बिरादरी से होना है। कहा जा रहा है कि वह सपा के परंपरागत यादव वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं। फिलहाल कहा तो यही जा रहा है कि महेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाकर बसपा सुप्रीमो ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, लेकिन बसपा का यह दांव कितना चलता है इसका पता 4 जून को ही लग पाएगा। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।